Hello friends, welcome to Mathematics Aspirants classes. In this video, we discuss Bayes theorem. हम लोग आज discuss करेंगे इस video में Bayes theorem को. तो ये probability का बहुत ही important part होता है. आइए चलिए देखते हैं Bayes theorem क्या है. पहले Bayes theorem को start करने के पहले मैं कुछ example को लेता हूँ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करता हूं कि बेस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम के साथ. उसके बाद फिर मैं बेस थ्योरम का प्रूफ भी आप लोग को बताऊंगा आज. तो पहले स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को हम लोग लेते हैं. सपोज करते हैं हमारे पास दो बैग है, बैग फर्स्ट बैग सेकेंड. बैग फर्स्ट में दो रेड बॉल और फाइव ब्लैक बॉल्स है, बैग सेकेंड में थ्री रेड बॉल्स और ये फोर ब्लैक बॉल्स है. अब इस दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट को E1 सपोज करते हैं और सेकेंड बैग सिलेक्ट हो जाए इस इवेंट को हम लोग E2 सपोज करते हैं. अब जो सिलेक्टेड बैग आया है, अब कौन सा बैग सिलेक्टेड है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी बैग सिलेक्ट हुआ है उससे एक बॉल निकालते हैं. ये जो बॉल निकला है वो रेड बॉल हो इस इवेंट को हम लोग सपोज कर लेते हैं E. आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि दो बॉल एक जगह कहीं रखा हुआ है. अब उस दोनों दो बैग एक जगह कहीं रखा हुआ है और उस बैग में से आंख बंद करके एक बैग हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है और जो बैग सेलेक्ट हुआ उससे एक बॉल निकाल लेना है. ये इस दरमियान आंख हम लोग को क्लोज रखना है. अब जब बॉल हमारे हाथ में आ चुका है, अब आंख खोल करके हम लोग देखते हैं कि वो जो बॉल है वो रेड कलर का है. तो अब ये पता हम लोग को नहीं है कि किस बैग से निकला है, फर्स्ट से निकला है या सेकंड से निकला है. तो ये जो बॉल निकला है वो फर्स्ट बैग से निकला है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा. तो यानी कि ये घटना हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, ये हम लोग को पता है. बॉल जो निकला है वो रेड बॉल निकला है, ये हम लोग को पता है, लेकिन किस बैग से निकला है वो पता नहीं है. यानी कि इवन फर्स्ट बैग से निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा. आप ऐसा सपोज कीजिए कि जो बॉल निकला है वो रेड बॉल निकला है और वो फर्स्ट बैग से सेलेक्ट हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को निकालना हो तो ऐसे ही केस में हम लोग बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं. आप यहां पर देख रहे हैं कि दो बैग में से एक बैग को सेलेक्ट किए और ये जो सिलेक्टेड बैग है उसमें से हम लोग एक बॉल निकाल लिए. तो ये जो बॉल निकला है वो रेड कलर का निकला है. अब ये हम लोग को पता है, ये इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, ये पता है कि ये इवेंट हुआ है. अब ये किस बैग से सिलेक्ट हुआ है, फर्स्ट से हुआ है या सेकेंड से हुआ है ये पता नहीं है. तो फर्स्ट बैग से ये बॉल निकला है, रेड बॉल जो निकला है वो फर्स्ट बैग से निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को पता करना हो तो बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं. और इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इसका फॉर्मूला है. बेस थ्योरम कहता है कि इसका प्रोबेबिलिटी होगा PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाय PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2. तो बेस थ्योरम का कहना है कि E1 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, जबकि ऑलरेडी A इवेंट हो चुका है, इसका प्रोबेबिलिटी होगा PE1 इंटू PA/E1 डिवाइडेड बाय PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2. तो ये प्रोबेबिलिटी यही बेस थ्योरम कहलाता है. अब अगर हम लोग इसको निकालना चाहे इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला को मैं स्टेटमेंट लिखूंगा लेकिन आप समझिए इसको. ये बैग सेलेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2. कैसे, हमारे पास दो बैग है, ये फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो तो फेवरेबल केसेस सिर्फ यही है, इसी को हम लोग को सेलेक्ट करना है. और टोटल केसेस कितना है, फर्स्ट बैग और सेकेंड बैग दो टोटल केसेज हो गया, तो टोटल केसेज 2 और फेवरेबल केसेज 1, तो 1/2. दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट हो फर्स्ट वाला, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 और सेकेंड बैग सेलेक्ट हो इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा. अब सपोज करते हैं कि ये बैग हम लोग का सेलेक्ट हो चुका है और इस बैग से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ये व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड. फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो चुका है
ऑफ ए इवेंट यानी ए रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, तो इसमें से रेड कितना है, टू रेड्स है और फाइव ब्लैक्स है, तो रेड निकालने का फेवरेबल केसेज टू हो जाएगा और टोटल केसेज हो जाएगा सेवन। टोटल सेवन बॉल्स है, सेवन में से कोई भी एक निकालना है तो सेवन तरीके से निकाल सकते हैं, और रेड बॉल दो है, दो में से कोई एक निकालना है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये पी ए बाई ई वन इक्वल टू टू बाई सेवन। बिल्कुल ऐसे ही सपोज करते हैं कि ये बैग अगर सेलेक्ट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन ए टू हैज ऑलरेडी अकर्ड मींस ए टू ये सेकेंड बैग सेलेक्ट हो चुका है, अब उससे रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो इसमें से थ्री रेड है और फोर ब्लैक है, टोटल सेवन बॉल है, उसमें से रेड बॉल निकालने के लिए फेवरेबल केस थ्री हो जाएगा और टोटल सेवन हो जाएगा। तो हमारे पास E1 का प्रोबेबिलिटी, E2 का प्रोबेबिलिटी पता है, A by E1 का प्रोबेबिलिटी, A by E2 का प्रोबेबिलिटी भी पता है, तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, हम लोग का निकल जाएगा ये प्रोबेबिलिटी। जैसे PE1 का वैल्यू है 1/2 into PA by E1 का वैल्यू है 2/7, PE1 का वैल्यू है 1/2, PA by E1 का वैल्यू है 2/7, फिर यहाँ पर भी PE1 का वैल्यू 1/2, PA by E1 का वैल्यू 2/7, PE2 का वैल्यू 1/2 और PA by E2 का वैल्यू 3/7। तो ये हम लोग पुट कर दिए और इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है 2/5। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को ये पता चल चुका है कि रेड बॉल निकला है और वो फर्स्ट बैग से निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 2/5। 2/5 क्या हो गया, ये दो बैग में से कोई एक बैग हम लोग सेलेक्ट किए, सेलेक्टेड बैग से एक बॉल निकाले, वो बॉल जब रेड निकल चुका है, ये पता चल चुका है कि वो जो सेलेक्ट बॉल निकाले हैं वो रेड बॉल निकला है, अब वो फर्स्ट बैग से निकला हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, कंडीशन लगा हुआ है कि रेड बॉल निकला है, अब वो फर्स्ट बैग से निकला है, इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो PE1/A = 2/5, यही इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। और इसके लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला यूज किए हैं, यही फॉर्मूला है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, let S be the simple space and let E1, E2, dot dot EA be n mutually exclusive and adjustive events associated with a random experiment. Suppose करते हैं S जो है वो एक simple space है और E1, E2, dot dot EA n mutually exclusive and adjustive events है किसी भी random experiment, और if A is any event which occurs with E1 or E2 or dot dot EA, ध्यान दीजिए A जो event है वो या तो E1 या E2 या डॉट डॉट EN किसी के साथ में ही हो रहा है। जैसे अभी हम लोग जस्ट इसके पहले जो देखे हैं कि दो बैग था, उस बैग में से हम लोग को किसी एक बैग को सिलेक्ट करना था, तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट E1 मान लिए और सेकेंड बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट E2 मान लिए, और जो भी बैग हमारे पास सिलेक्ट हुआ उस बैग से एक बॉल निकालने का इवेंट को रेड बॉल निकालने के इवेंट को A अगर मान लेते हैं, तो ए जो इवेंट है वो या तो E1 के साथ में होगा या E2 के साथ में होगा, अकेला ए नहीं हो रहा है, या तो फर्स्ट बैग सिलेक्ट होगा या सेकेंड बैग सिलेक्ट होगा, उसके बाद ही उससे रेड बॉल निकालना है। ए इवेंट तभी होगा जब या तो E1 हो चुका है या फिर E2 हो चुका है, मतलब ये अकेला नहीं हो रहा है, ये E1 या E2 में से किसी एक के साथ में ही हो रहा है। तो यहां पर भी ऐसा ही एक इवेंट ले रहे हैं ए, जो ये E1, E2, dot dot EN जो N इवेंट है उसी में से किसी के साथ में होगा, या तो E1 के साथ या E2 के साथ या फिर dot dot EN किसी के साथ में होगा। अब A इवेंट हो चुका है, अब इस E1, E2, dot dot EN में से कोई एक इवेंट हो उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है P of EI into PA by EI divided by sum of PEI into P of A by EI, एंड समेशन में आई जो रन कर रहा है 1 से n तक रन कर रहा है, मतलब आई का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करके सभी को ऐड कर देना। तो यही मैं फॉर्मूला भी यूज किया था, तो यही फॉर्मूला होगा ith इवेंट e में से ith इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी जबकि ऑलरेडी a इवेंट हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला ये है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो चीज को कि ए जो इवेंट है
इसी में से किसी के साथ में होगा, E1, E2, EN में से किसी के साथ में, और ये सभी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव है। एडजस्टिव मींस क्या हुआ कि ये सभी का यूनियन करने के बाद वो सिंपल स्पेस के बराबर हो जाए। तो चलिए अब आइए इधर देखते हैं। सपोज करते हैं ये जो है S को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें इसको हम लोग कई एक पार्ट में बांट देते हैं, कई एक इवेंट बना देते हैं। यहां पर एक इवेंट E1 ले रहे हैं, ये सपोज कीजिए E1 इवेंट है, ये इवेंट E2 है, ये E3 है, ये E... है डॉट डॉट, और ये है EN। अब यहां पर हम लोग एक इवेंट लेते हैं E, ये जो इवेंट है वो है E, ये इवेंट सिंपल स्पेस का ये सबसेट। आप देखिए ये या तो E1 के साथ में आएगा, अगर ये पार्ट में से अगर ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है तो वो E1 के साथ में होगा, अगर ये पार्ट होता है तो वो E2 के साथ होगा, ये पार्ट होता है तो वो E3 के साथ होगा, या इसी तरीके से अगर ये पार्ट होता है तो वो EN के साथ होगा। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया A इंटरसेक्शन E1, A और A E1 का इंटरसेक्शन है, ये कौन सा पार्ट है, A और E2 का इंटरसेक्शन है, ये है A इंटरसेक्शन E3 और डॉट डॉट। इसी तरीके से ये कौन सा पार्ट है, A इंटरसेक्शन EN। अब देखिए ये पार्ट E1 में भी है और A में भी है, तो ये A और E1 का इंटरसेक्शन हो गया। अब ये E1, E2, डॉट डॉट, E3 जितना भी है वो सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि कोई भी दो का कॉमन एलिमेंट नहीं, और इस सभी का यूनियन करेंगे तो वो किसके बराबर हो जा रहा है, सिंपल स्पेस S के बराबर। तो देखिए सिंस E1, E2, डॉट डॉट, EN आर N म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव इवेंट्स वी हैव S इज इक्वल टू, एक्चुअली ये एक्सक्लूसिव है और एडजस्टिव भी है। एडजस्टिव में मतलब क्या हुआ कि सभी का यूनियन अगर कर देते हैं E1, E2, डॉट डॉट, EN का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि कोई भी दो का इंटरसेक्शन लेते हैं, ith EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 वेयर I नॉट इक्वल टू J, मींस कोई भी दो का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब देखिए जरा यहां पर फिगर से, ए इवेंट क्या किसके इक्वल होगा, A इज इक्वल टू होगा A इंटरसेक्शन S। अब देखिए ध्यान दीजिए ये पूरा S है, ये A है, A इवेंट है, S सिंपल स्पेस है, निश्चित रूप से A जो है वो सबसेट होगा सिंपल स्पेस का। तो A इवेंट जो है A सेट किसके बराबर होगा, A और S का इंटरसेक्शन हो गया, ये कॉमन पार्ट है A और S का, तो A इंटरसेक्शन S हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर S का वैल्यू पुट करते हैं, S का वैल्यू क्या है, E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन EN। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिए सेट थ्योरी का, तो A इंटरसेक्शन E1 भी होगा, A इंटरसेक्शन E1, फिर बीच में यहां पर यूनियन A इंटरसेक्शन E2 होगा, बीच में यूनियन डॉट डॉट A इंटरसेक्शन EN। अब अगर इसका आप ये देखिए A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2 डॉट डॉट, ये जितना भी है वो सभी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये खुद भी है, A इंटरसेक्शन E1 ये वाला पार्ट हो गया, A इंटरसेक्शन E2 ये वाला पार्ट हो गया, ये देखिए आप दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई भी कॉमन एलिमेंट ये दोनों में नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से अगर हम लोग A का प्रोबेबिलिटी निकालें तो A का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ तो दोनों साइड हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा दिए, इधर भी प्रोबेबिलिटी लगा दिए और इधर भी प्रोबेबिलिटी लगा दिए। अब एडिशन थ्योरम, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, चलिए इसको इधर लिखते हैं। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या होगा, आप जानते हैं P A यूनियन B इक्वल टू
पी ए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी हो जाता है अगर ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो। तो यहाँ पर ये इवेंट ये सभी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसीलिए जो यूनियन है वहां पर प्लस हो जाएगा, यूनियन की जगह प्लस हो जाता है, दोनों में प्रोबेबिलिटी लग जाएगा और बीच में प्लस हो जाएगा। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस डॉट डॉट प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई ए। अब देखिए इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो आप इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई वेयर आई रन फ्रॉम वन टू ए। तो ये नंबर वन करके हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई ए, एक ये भी होता है, एक और होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज अकर्ड ऑलरेडी अकर्ड। तो हम लोग ये या ये दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ए का प्रोबेबिलिटी पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर बी का प्रोबेबिलिटी पहले लिखा हुआ है। इसमें ए का प्रोबेबिलिटी है और बी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसमें ए का बी का प्रोबेबिलिटी पहले लिखा हुआ है और ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यही थ्योरम अप्लाई करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन ई आई इज इक्वल टू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। यहां पर ई आई का पहले प्रोबेबिलिटी लिखे हुए हैं और फिर ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन दैट ई आई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यही पहले हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से पी ए इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू वन टू ए और इसका वैल्यू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ई आई। अब हम लोग क्या करते हैं आगे, ऑल्सो बाय मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वी हैव फिर मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन ई आई इज इक्वल टू P of A into P of ई आई डिवाइडेड बाई ए। आप इसको इधर डिवाइड कर दीजिए तो P of ई आई डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, ये इधर डिवाइड करके P of A इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाई पी ए। पी ए इंटरसेक्शन ई आई का हम लोग वैल्यू लिख जाते हैं तो P of ई आई डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम फिर अप्लाई करते हैं, जो यहां पर लिखे हैं वही रूल अप्लाई करते हैं, वही थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई डिवाइडेड बाई पी ए का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं पी ऑफ ए का, तो इसका वैल्यू है सिग्मा आई इक्वल टू वन टू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई ई आई। तो यही बेस थ्योरम हो गया, इसका बेस थ्योरम का प्रूफ हो गया ये। तो आप इसको देखिए, सपोज कीजिए यहां पर आप देखिए कि मान लेते हैं हम लोग दो ही इवेंट है, एक ई वन और दूसरा ई टू। जैसे इसमें एन इवेंट था ई वन ई टू डॉट डॉट ई एन, सपोज कीजिए एन की जगह टू ही इवेंट है ई वन और ई टू। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो, मान लीजिए फर्स्ट इवन इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ इवन का प्रोबेबिलिटी निकालना व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला से पी इवन बाय ए इज इक्वल टू क्या होगा, आई की जगह वहां पर हम लोग ए वन लिख रहे हैं तो आई की जगह वन लिख दीजिए, यहां पर भी आई की जगह वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ऑफ इवन इंटू पी ऑफ ए बाई ए वन और डिवाइडेड बाय
ये जो समेशन होगा i इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि दो ही इवेंट है e1 और e2, तो यहाँ पर हम लोग दो ही बार इसको ऐड करेंगे, एक बार i की जगह 1 पुट करेंगे और एक बार i की जगह 2 पुट करके इसको ऐड कर देंगे। तो अगर 1 पुट करते हैं तो p ऑफ e1 इंटू p ऑफ a बाई e1 प्लस p ऑफ e2 इंटू p ऑफ a बाई e2। आई की जगह एक बार 1 पुट किए हैं और फिर दूसरा बार हम लोग आई की जगह 2 पुट करके इसको ऐड कर दिया है समेशन है। तो यही फॉर्मूला हम लोग जो पहले शुरू में एग्जांपल लिए थे उसमें इसी फॉर्मूला का अप्लाई किए थे। इवन इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी जबकि ऑलरेडी ये घटना घट चुका है तो उस समय ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये बेस थ्योरम हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर हम लोग दो इवेंट को लेकर के ये फॉर्मूला अप्लाई किए। अब जरा देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा निकालना हो, E2 इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी निकालना हो जबकि ऑलरेडी A इवेंट हो चुका है, तो यहां पर अगर E2 लिख रहे हैं तो यहां पर भी E2 कर देंगे और यहां पर भी E2 कर देंगे और नीचे तो दोनों है, दोनों का समय ये टोटल प्रोबेबिलिटी रहता है नीचे, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगा ही नीचे, सिर्फ यहां पर चेंज होगा। तो अगर E2 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी निकालना व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। और इसकी जगह मान लीजिए अगर 3 इवेंट हो तो उसी तरीके से 3 इवेंट कर देंगे, यहाँ पर 3 का सम हो जाएगा और जो यहाँ पर निकालना रहेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेस थ्योरम बताता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब एक इवेंट हो चुका है और उसके बाद दूसरा इवेंट होने का ये प्रोबेबिलिटी बताता है, और ये जो इवेंट होता है वो इसी में से किसी के साथ में होता है, ये इवेंट अकेला नहीं होता है, E1 होने के बाद होता है या E2 होने के बाद होता है ये इवेंट। तो चलिए अब इस थ्योरम का यूज करके और भी हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन है ये कार फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्स इज लॉस्ट। 52 कार्स का जो पैक होता है उससे एक कार्ड कहीं पर खो गया। अब खोने के बाद हमारे पास 51 कार्ड्स बचा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। जो रिमेनिंग कार्ड्स है उसमें से हम लोग 2 कार्ड निकाल लिए और जो 2 कार्ड निकाले हैं आर फाउंड टू बी हर्ट, और वो हम लोग को हर्ट मिला, दोनों जो है वो लाल पान का कार्ड मिला। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी ए हर्ट, तो जो खोया था पहले वो हर्ट हो इसका क्या प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ 2 इवेंट हो रहा है, एक इवेंट पहले हो चुका है, कार्ड खो चुका है पहले ही, और जो बाद में जो इवेंट हुआ है वो इवेंट का हम लोग को रिजल्ट पता है कि वो इवेंट क्या है, वो दोनों लाल पान था, दोनों हर्ट था, 2 कार्ड जो निकाले हैं वो दोनों हर्ट था। तो जो पहली घटना हो चुका है, पहले जो इवेंट हुआ है वो कैसा इवेंट हुआ था, वो कौन सा कार्ड खोया था, हर्ट खोया था या स्पेड खोया था या क्लब खोया था या डायमंड खोया था, ये पता नहीं है। तो पहला जो कार्ड खो चुका है वो हर्ट खोया है इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहला क्या कीजिए, आप जो 4 इवेंट हो सकता है यहाँ पर कि जो 2 जो कार्ड खोया था वो 4 तरीके से हो सकता है, या तो हर्ट खो सकता है या स्पेड या क्लब या डायमंड, तो उसमें से 4 को हम लोग 4 इवेंट मान लेते हैं। लेट E1 इक्वल टू इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज ए हर्ट, जो फर्स्ट में कार्ड खोया था उसको हम लोग सबसे पहले हर्ट हो इस इवेंट को E1 मान लिए। E2 मान लेते हैं इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज ए क्लब, मिसिंग कार्ड क्लब हो इसको E2 मान लेते हैं। E3 इक्वल टू इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज ए डायमंड हो इसको हम लोग E3 मान लेते हैं, और E4 मान लेते हैं इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज ए 1 बच गया स्पेड, तो स्पेड हो इसको हम लोग मान लेते हैं E4। तो ये 4 तरीके से हो सकता था, पहले जो कार्ड खोया है वो 4 तरीके से हो सकता है, हार्ट क्लब डायमंड या स्पेड, किसी कोई भी एक हो सकता है। अब जो बाद में इवेंट हुआ है उस इवेंट को हम लोग ए मान लेते हैं। बाद में कौन सा इवेंट हुआ है, 2 हर्ट कार्ड निकाला गया, 2 कार्ड जो निकाला गया वो लाल पान का कार्ड निकला है। तो ड्रॉइंग 2 हर्ट कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो रिमेनिंग कार्ड्स था उससे 2 कार्ड निकाले हैं, वो दोनों लाल पान का कार्ड निकला है, उसको हम लोग ए मान लेते हैं। अब जरा समझिए यहां पर,
पी ऑफ इवन, ये इवन इवेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इवन कौन सा इवेंट है? जो मिसिंग कार्ड था वो हॉट, तो टोटल 52 कार्ड्स का पैक था, उसमें से एक कार्ड जो खोया वो हॉट हो, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हॉट कितना होता है? टोटल 13 हॉट होता है, तो 13 में से कोई भी एक कार्ड खो सकता है, और टोटल जो था 52 था, 52 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। टोटल कैसे हो गया और ये फेवरेबल कैसे हो गया? दिस इज इक्वल टू 13/52 एंड इट इज इक्वल टू 1/4। हम लोग इसी तरीके से PE2 निकाल सकते हैं, जो कार्ड खोया था, E2 कौन सा इवेंट है? जो कार्ड खोया था वो क्लब हो, इसका प्रोबेबिलिटी, तो क्लब कितना होता है? वो भी 13 होता है, 13 में से कोई भी एक हो सकता है, तो ये फेवरेबल कैसे हो गया, और टोटल कैसे हो जाएगा 52C1, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4। फिर हम लोग निकाल लेंगे PE3, ये भी 1/4 आएगा। फिर निकाल लेंगे PE4, ये भी 1/4 आएगा। अब हम लोग निकालते हैं A/E1 का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन ई1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ई1 घटना घट चुका, यानी कि जो कार्ड खोया था पहले वो हर्ट है। अब जो तो बाकी जो 51 कार्ड बचा है, उसमें से जो कार्ड निकाले हैं वो दोनों हर्ट हो, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड हर्ट खोया था, बाद में जो कार्ड निकाल रहे हैं वो भी दोनों हर्ट हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो जब हर्ट खो चुका है तो 13 में से 12 हर्ट बचा हुआ है। अब 12 हर्ट में से हम लोग को दो निकालना है, तो इसके लिए फेवरेबल केसेज क्या हो जाएगा? 12C2 और डिवाइडेड बाय टोटल केसेज कितना होगा? टोटल रिमेनिंग कार्ड्स 51 बचा था, 51 में कोई भी दो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय E2, मतलब E2 इवेंट हो चुका है उसके बाद ए इवेंट हो रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी। E2 इवेंट हो चुका है मतलब यहाँ पर जो कार्ड खोया था वो क्लब खोया हुआ है। अब क्लब खोया हुआ है तो प्लेइंग कार्ड्स में 51 कार्ड्स बच गया, एक कार्ड खो गया, कौन सा कार्ड खोया? क्लब खो रहा है, तो 51 जो बचा है उसमें से कितने हार्ट है? 13, और 13 में से दो हम लोग को निकालना है, तो दो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 13C2 और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कार्ड्स था 51 में कोई भी दो निकाल सकते हैं, तो ये हो गया P of A/E2। इसी तरीके से P of A/E3 निकाल सकते हैं, यानी E3 घटना हो चुका है, यानी कि जो कार्ड खोया था E3 में है डायमंड, तो जो कार्ड खोया था वो डायमंड खोया है। अब जो बाकी 51 बचा उसमें से जो दो निकालना है वो हर्ट हो, इसका प्रोबेबिलिटी, तो हर्ट कितना बचा हुआ है? 13, क्योंकि डायमंड खोया था, तो 13 में कोई भी दो निकाल सकते हैं, और यहाँ पर 51C2 टोटल केसेज हो जाएगा। इसी तरीके से PA/E4 निकाल सकते हैं, ये भी ऐसे ही निकाल करके आप देख सकते हैं 13C2/51C2 होगा। अब हम लोग निकालते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ इवन इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी जबकि ए ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, यानी कि जो ए इवेंट हो चुका है मतलब जो ड्रॉइंग टू हर्ट कार्ड है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो बाद में बचा है जितना कार्ड 51 कार्ड उसमें से दो कार्ड निकालना है वो हर्ट है, ये पता है हम लोग को, यानी ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब जो फर्स्ट कार्ड खोया था वो हर्ट खोए, यानी इवन इवेंट हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है P E1/A। तो हम लोग बेस थ्योरम यहां पर अप्लाई करेंगे, और बेस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये PE1 × PA/E1 और नीचे चारों का सम होगा PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2 प्लस PE3 × PA/E3 प्लस PE4 × PA/E4। अब सभी का भाग हम लोग को पता है, E1, E2, E3, E4 सभी का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, PA/E1, PA/E2, PA/E3, PA/E4 सभी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये सारे का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा और यहाँ पर पुट कर लीजिएगा और आप निकाल करके इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, तो 11/50 होगा, तो यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से बेस थ्योरम का यूज करके
आप सवाल को कुछ ट्राई कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।